आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। अमरनाथ यात्रा से पहले आतंकी संगठन टीआरएफ की धमकी भरी चिट्ठी आरएसएस और केंद्र सरकार पर साधा निशाना। सपा नेता आजम खान ने जेल से छूटने के बाद ली विधायक पद की शपथ, जेल रहते हुए विधायक चुने गए थे। असम में बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 24 लोगों की मौत, 7 लाख से ज्यादा प्रभावित। रेल टिकट पर सीनियर सिटीजन को छूट की मांग, सीपीआईए सांसद ने लिखी रेल मंत्री को चिट्ठी। देश में मुक्त विश्वविद्यालय खोलने की राह हुई आसान, यूजीसी ने शिथिल किए मानक। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल, वकील अश्विनी उपाध्याय बोले, नमाज पढ़ने से मंदिर का स्वरूप नहीं बदल जाता। धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा है ज्ञानवापी मामला, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई एक और याचिका। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के साथ किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को दी श्रद्धांजलि। नवनीत राणा गिरफ्तारी मामले में लेकर लोकसभा विशेष अधिकार समिति की बैठक, स्पीकर से राणा दंपति ने की थी शिकायत। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, अतीत में जहां भी मंदिर तोड़े गए वहां फिर से बनाए जाएंगे। दिल्ली में हवाई सेवा पर पड़ा भारी बारिश का असर, कई उड़ानों को किया गया डायवर्ट। एनसीआर में तेज हवा के साथ हो रही बारिश, यूपी बिहार सहित कई राज्यों में अलर्ट जारी। ईंधन की कीमतें कम होने पर सीएम अशोक गहलोत बोले, बिना वजह वाहवाही लूट रही सरकार। केंद्र के पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, अब राज्य सरकारें भी घटाएं टैक्स। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधानमंडल दल के सदस्यों के साथ की बैठक, सरकार को घेरने के लिए बनाई रणनीति। भाजपा के मुखिया ओपी राजभर ने दी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को नसीहत, कहा एसी कमरे से निकलकर लोगों के बीच भी आए। यूपीएमआरसी की नई पहल, लखनऊ में पर्यावरण संरक्षण और सुपर सेवर कार्ड के लिए लोगों को जागरूक करेगी मेट्रो टीम। केजीएमयू और डीजीएमई के चक्कर काट रहे मेडिकल छात्र, एनओसी देने से इनकार करने पर स्वास्थ्य मंत्री से की शिकायत। पूर्वांचल में बनने लगा विदेशी निवेश का माहौल, निवेश की संभावना तलाशने गोरखपुर पहुंची यूनाइटेड किंगडम की टीम।
लखनऊ में कड़ी निगरानी के बीच स्नातक सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू, 1071 छात्र हुए शामिल। वेस्ट यूपी में झमझम बारिश और आंधी से गिरे पेड़, फसलों को भी नुकसान। लखनऊ सिविल अस्पताल में 2 महीने से थायराइड की जांच नहीं, बाहर महंगा इलाज कराने को मजबूर मरीज। बाराबंकी में विस्फोट से उन्हें डीसीएम के परखच्चे, एक की मौत। नौटंकी में आतिशबाजी के लिए आए थे गोले। गोरखपुर में पशु तस्करों का पुलिस टीम पर पथराव, रात भर चली तलाशी। आगरा में पुलिस की सतर्कता से बच्चियां सुरक्षित, तो फिरोजाबाद से गुमशुदा हुई बच्चियां बरामद, तीनों बच्चियों को चाइल्ड हेल्पलाइन टीम के पास भेजा गया। अलीगढ़ में पत्नी बनी पति की कातिल, प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट, पत्नी और फैक्ट्री स्वामी को गिरफ्तार कर लिया गया। औरैया में वाहन चेकिंग अभियान, एसपी के निर्देश पर चलाया गया अभियान, बिना हेलमेट वाहन चालकों को रोककर कई चालान किए गए। फर्रुखाबाद में भाजपा युवा प्रदेश अध्यक्ष ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा वो देश के खिलाफ टिप्पणी कर जाते हैं जो निश्चित तौर पर निंदनीय है। गाजीपुर शहर से हटेगा अतिक्रमण, सिटी मजिस्ट्रेट ने किया निरीक्षण, यातायात को सुगम करने के निर्देश। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा शासन की गाइडलाइन के अनुसार अतिक्रमण हटाना है। गाजियाबाद में बीच सड़क पर युवकों का हुड़दंग, कार में बैठकर हुड़दंग कर रहे युवकों का वीडियो वायरल, लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। लखीमपुर खीरी में आकाशीय बिजली का मचा कोहराम, जिसकी चपेट में पिता बेटे की हुई मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखीमपुर खीरी में सरेआम रिक्शा चालक की हुई मौत, बाके से काट कर हुई हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। अंबेडकर नगर में अधीक्षक का अनोखा प्रयास, रिहा कैदियों को मिलेगा पुनर्वास, जेल परिसर में कैदियों को पेंटिंग बनाने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। बुलंदशहर में मासूम बनी हैवानियत का शिकार, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, महिलाओं के खिलाफ अपराध थमने का नहीं ले रहा है नाम। फरीदाबाद में मूलभूत सुविधाओं को तरसे आड़ती मंडी में, पिछले कई सालों से पीने के पानी की सुविधा नहीं, शिकायतों के बावजूद नहीं हुआ निस्तारण। गोरखपुर में एसएसपी ने चलाया बड़ा अभियान, अवैध शराब को कराया जमींदोज, लंबे समय से थाने के माल खानों में अवैध शराब को रखा गया था। हाथरस में अब 10 जून को गूंजेगी सामूहिक विवाह पर शहनाई, 250 शादियों का है लक्ष्य। यूपी में कवित्री अनामिका ने कहा देशभक्त हूं, इसलिए यूपी की सही तस्वीर पेश की, बदल रहा है यूपी। मुजफ्फरनगर में कुख्यात संजीव जीवा और उसकी पत्नी सहित 9 पर मुकदमा दर्ज। हाथरस में अध्यापक की मेहनत रंग लाई, आगरा के उद्यमी विद्यालय को लिया गोद, अब बदल रही तस्वीर।
राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही विधान की हुई शुरुआत। बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे पर सपा विधायकों ने की नारेबाजी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को तपेश भरी गर्मी से राहत। तड़के तेज हवा के साथ बारिश। सावधान, इंटरनेट मीडिया पर सुंदरियों से दोस्ती कर सकती है कंगाल। हनी ट्रैप का हो सकते हैं शिकार। वैकल्पिक रूट होने के बावजूद रेलवे ने निरस्त की 80 ट्रेनें। अब गलती का खामियाजा भुगत रहे हजारों यात्री। बुलंदशहर में बोले पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी। ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा कोर्ट में कुछ भी कहना जल्दबाजी। देहरादून नगर पालिका के अध्यक्ष रहे दीनानाथ सलूजा का निधन। देहरादून में ली अंतिम सांस। बड़ी बसों के लिए 5 दिन बाद अस्थायी रूप से सुचारू हुआ यमुनोत्री हाईवे। यात्रियों ने ली राहत की सांस। बीते 24 घंटे में कोरोना के 6 नए संक्रमित मिले, इनमें से 5 देहरादून के। तेज अंधड़ ने डराया, बाद में बौछारों से मौसम सुहावना। चार धाम में हुआ हिमपात। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराजा ने कहा गौरीकुंड केदारनाथ के बीच चलेंगे ऑल टेरेन व्हीकल। सुशांत राजपूत के नाम से बनेगी सेल्फी पॉइंट। जैव विविधता दिवस 2022 स्वावलंबन में सुरक्षित जीवन और प्राकृतिक पद्म भूषण अनिल प्रकाश जोशी का लेख। अवैध निर्माण को शह देने वाले अभियंताओं पर एमडीडीए चुप। देहरादून में 28,000 से अधिक मामले गतिमान। उत्तराखंड वन अनुसंधान के एक साल में 1,943 पौधे की प्रजातियों को किया गया संरक्षित। ऋषिकेश में युवती की संदिग्ध अवस्था में मौत। कमरे के भीतर पंखे से लटका मिला शव। कौशल विकास कार्यक्रम में उत्तराखंड के डिग्री कॉलेज में निखारा जाएगा छात्र छात्राओं का कौशल। उत्तराखंड में विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए सभी स्कूली वाहनों में जीपीएस किया जाएगा अनिवार्य। रखी जाएगी निगरानी। साइबर ठगों ने 3 व्यक्तियों से 2,50,000 रुपए पुसले। पुलिस ने तीनों मामले में मुकदमा किया दर्ज। आयकर आयुक्त ने हरिद्वार जेल में किया सरेंडर। हाईकोर्ट ने बरकरार रखी सजा। सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की चेतावनी। कहा खतरे से खेल रहा चीन। ताइवान पर हमला हुआ तो चुप नहीं बैठेंगे।
बाइडेन ने किया हिंद प्रशांत व्यापार समझौते का ऐलान, भारत जापान समेत 13 देश शामिल। यूएनएससी की स्थायी सीट के लिए जापान को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने किया समर्थन। टोक्यो में पीएम मोदी की राष्ट्रपति बाइडेन के साथ होगी महत्वपूर्ण चर्चा, चीन की आई तल्ख प्रतिक्रिया। पाक के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी चीन दौरे पर, फिर उठाया कश्मीर मुद्दा। सऊदी अरब में कोरोना का कहर, भारत समेत 16 देशों की यात्रा पर लगाया प्रतिबंध, देश में अभी एक भी मंकी पॉक्स का केस सामने नहीं आया है। अमेरिका में मंकी पॉक्स का एक और मामला, अब तक 12 देशों में फैला वायरस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे, प्रवासी भारतीयों ने किया गर्मजोशी से स्वागत। एंथनी एल्बेजीन ने ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में ली शपथ, टोक्यो सम्मेलन में होंगे शामिल। फिलीपींस में बड़ा हादसा, बीच समंदर नाव में लगी आग, 7 लोगों की मौत, 105 यात्रियों को बचा लिया गया। पेटीएम से मोबाइल रिचार्ज करेंगे तो मिल सकता है 1000 रुपए तक का कैशबैक। पेटीएम के शेयरों में जबरदस्त उछाल, बाजार में तेजी के बावजूद एलआईसी के स्टॉक्स डाउन। डब्ल्यूएफ में 100 से ज्यादा भारतीय कंपनियों के प्रतिनिधि पहुंचे, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल करेंगे नेतृत्व। पीएम गति शक्ति के जरिए पूरे होंगे 500 करोड़ से ज्यादा के इंफ्रा प्रोजेक्ट, वित्त मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश। पीएनबी ने एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज से की 645 करोड़ से ज्यादा की कमाई, मिनिमम बैलेंस न रखने वालों से करोड़ों की वसूली। पेटीएम के रेवेन्यू में 77% का उछाल, पिछले साल के मुकाबले 8% घाटा हुआ कम, कंपनी ने चौथी तिमाही में 1541 करोड़ रुपए की राजस्व हासिल किया। बगैर डेबिट कार्ड एटीएम से निकलेगा पैसा, मोबाइल से होगा सारा काम, कैश निकालने के लिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं। आरबीआई सरकार को देगा 30,307 करोड़ का डिविडेंड्स, बोर्ड से मिली मंजूरी, भारतीय रिजर्व बैंक ने दी जानकारी। अब जनरल इंश्योरेंस के क्षेत्र में उतरेगा पेटीएम, कंपनी करेगी 950 करोड़ रुपए का निवेश। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी, एलपीजी सिलेंडर पर मिलेगी 200 रुपए की सब्सिडी। प्लेऑफ से पहले केएल राहुल के सामने बड़ी परेशानी, इंडिया प्रीमियर लीग के 15वें सीजन में फाइनल तक पहुंचना होगा मुश्किल। भुवनेश्वर कुमार ने कप्तान बनाए जाने पर दिया बयान, उन्होंने अगले सीजन में जोरदार वापसी की बात कही।
शिखर धवन ने आईपीएल में रचा इतिहास बना डाला, चेकों का नया रिकॉर्ड, धवन तमाम बल्लेबाजों से काफी आगे चल रहे हैं। कपिल देव ने इस राजनीतिक पार्टी से जुड़ने को लेकर दिया बयान, बताया किस बात को लेकर है दुखी। आईपीएल 2022 के प्लेऑफ में आरसीबी के पहुंचने के बाद विराट कोहली ने कहा धन्यवाद मुंबई, हम इसे याद रखेंगे। सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर पंजाब किंग्स ने छठे स्थान पर किया सीजन खत्म, आईपीएल 2022 में 1000 छक्के हुए पूरे। लिविंगस्टन के विस्फोटक पारी के दम पर पंजाब ने हैदराबाद को 5 विकेट से हराया, बेयर स्टोर सस्ते में हुए आउट। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए केएल राहुल बने कप्तान, उमरान मलिक पहली बार टीम इंडिया में शामिल। चेतेश्वर पुजारा को मिला काउंटी में शानदार प्रदर्शन का इनाम, टीम इंडिया में हुई वापसी, उन्होंने अपने प्रदर्शन में सुधार के लिए काउंटी क्रिकेट का रुख किया था। रफ्तार के किंग उमरान का सपना हुआ साकार, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया में मिली जगह। रिलीज से पहले दोहरे विवाद में फंसे अक्षय कुमार की पृथ्वीराज, करणी सेना की नाम बदलने की मांग। कांस 2022 से लौटते ही अभिषेक बच्चन को मिली बुरी खबर, परिवार के करीबी सूट स्टाइलिस्ट अकबर कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 ने की रिकॉर्ड तोड़ कमाई, तीसरे दिन भी हुई बंपर कमाई। करण जौहर ने हिंदी और साउथ फिल्मों की तुलना को बताया बेमतलब, कहा पुष्पा केजीएफ जैसी फिल्मों ने हमारे सिनेमा के स्तर को बनाया महान। इनकाल खान के फिल्म कंट्री ऑफ ब्लाइंड का पोस्टर हुआ लॉन्च, अंधी महिला के रोल में दिखेंगी एक्ट्रेस। कमल हसन की फिल्म विक्रम को प्रमोट करने के लिए रणवीर सिंह हुए ट्रोल, यूजर से सुनाई खरी खोटी। करीना कपूर ने डार्जिलिंग में सर्द सुबह में उठाया फ्रेंच फ्राइज का लुप्त, चाट मसाला और लाल मिर्च के साथ दिया टेस्टी बनाने का टिप्स। राखी सावंत की लव स्टोरी में आया नया ट्विस्ट, आदिल दुर्नानी को किसी और लड़की ने बताया अपना बॉयफ्रेंड। कार्तिक आर्यन को अपनी ही फिल्म भूल भुलैया 2 की नहीं मिली टिकट, हाउसफुल का बोर्ड ले यू खड़े रहे थिएटर के बाहर। क्यारा आडवाणी से शादी के सवाल पर भड़के करण जौहर, कहा आपने कभी मेरी शादी के बारे में नहीं पूछा। प्राइम टीवी कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।